2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से झटका दिया है। हालांकि पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाती तो दिख रही है, लेकिन इसमें भी एक रुकावट है। एनडीए के दो सहयोगी दल ऐसे हैं जो सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। 290 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद भी भाजपा टेंशन में है। रुझानों में 290 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद भी भाजपा टेंशन में है। इन दो सहयोगी दलों में एक नीतीश कुमार का जदयू है तो वहीं दूसरा आंध्र प्रदेश के टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं। दोनों पार्टी के खाते में 15 और 16 सीटें आती दिख रही हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इन्हीं दो पार्टियों को लुभाकर एनडीए के तीसरी बार सरकार बनाने से रोकना चाहती है। बीजेपी और उसके एनडीए को शायद इसी बात का इल्म रहा होगा। 2024 के नतीजे ऐसे आएंगे। रुझानों में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अगर इनमें कोई बदलाव नहीं होता है तब तीसरी बार सत्ता की बाह जोड़ रहे एनडीए को झटका लग सकता है। 296 सीटों से बहुमत तो बनता दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 229 सीटों के साथ बहुत दूर नहीं है। ऐसे में अभी ये भी हो सकता है कि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार भी ना बना पाए। मोदी का तीसरी बार सत्ता की बागडोर जेडीयू और टीडीपी छीन सकते हैं। दोनों पार्टियों ने हालांकि ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन विपक्ष उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे आसान टारगेट सीएम नीतीश हैं। अगर दोबारा विपक्ष की ओर झुकते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने भी चुनाव से ठीक पहले एनडीए में दोबारा वापसी की थी। आपको बता दें कि दोनों को कुल 31 सीटें इस चुनाव में मिली हैं। तेलुगु देशम पार्टी को अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 16 सीटें मिलती दिख रही हैं और जेडीयू को 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर ये दोनों पार्टियां विपक्ष के लुभावने ऑफर को अपनाकर एनडीए का साथ छोड़ती हैं तो दिक्कत हो सकती है। एनडीए को अभी तक 290 सीटें मिली हैं रुझानों में, जिसमें बीजेपी को अकेले 241 सीटें आई हैं। जेडीयू की 15 और टीडीपी की 16 सीटें मिलाकर 31 होती हैं और 31 सीटें हटने के बाद एनडीए बहुमत से भी दूर हो जाएगा। 31 सीटें घटने के बाद एनडीए 296 से घटकर 265 तक चली जाएगी। ऐसे में केस में सत्ता के लिए रस्साकशी का दौर शुरू हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश तो सबके हैं, जितनी बार उन्होंने पलटी मारी है शायद ही कोई उनके करीब भी होगा। विपक्ष उन्हें पीएम, डिप्टी पीएम या और कोई बड़ा पद का ऑफर देकर लालच दे सकता है। वहीं हाल ही में एनडीए से दोबारा जुड़े टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी एनडीए छोड़ने के संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन चर्चा है कि उनसे विपक्ष की तरफ से संपर्क साधा जा रहा है। हालांकि अभी कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन ये दोनों पार्टियां एनडीए या इंडिया किसी के लिए किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।